ये जो सोच होती है, ये सोच आपको बहुत बड़ा बनाती है, दैट इज फैक्ट। मुझे तो चलना है, मुझे तो सेगमेंट्स पे काम करना है, बाकी तो रेस्ट लीव ऑन गॉड। डेस्टिनेशन पे कोई चीज होती है ना, फाइनली इट इज ओके, सेटिस्फेक्शन तो आएगा कि मैंने अपना 100% दिया। एक दिन को अगर पूरा यूज किया तो खुद में सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। अगर आज नहीं भी रहना कल तो इतना है कि ठीक है कल तक पूरा अपना देकर गए, राइट। और ये जो सोच होती है, ये सोच आपको बहुत बड़ा बनाती है, दैट इज फैक्ट, पहली बात। और सेकंड चीज़ देखो, ये सब सोच बहुत कम में होती है। रीज़न क्या है, देखो एक बार बताओ, अगर सब में ही होती तो 5% लोग पूरी जीडीपी को क्यों रूल कर रहे होते हैं, क्यों 3-4-5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। आई एम सेइंग सक्सेसफुल मीन्स रियल सक्सेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है, आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, सब कुछ करो, पैसा भी थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे हो, घर में सारे सामान भी है, सब कुछ है, कार भी है, गाड़ी भी है, तो दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस डेफिनेशन इज डिफरेंट। व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आर यू गोइंग टू अचीव इट, पर क्या मैंने अचीव कर लिया, दैट इज सक्सेस। और वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, एक्स पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, बट वो तीनों, अगर तीनों ने अचीव कर लिया तो तीनों सक्सेसफुल है। मेक सेंस? इट्स नॉट अबाउट की पीपल अबाउट पीपल आर डूइंग कंपेरिजन बिकॉज पीपल डोंट नो व्हाट इज सक्सेस।